यूं तो एक औरत के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, लेकिन ये दुनिया ऐसा कई बार करती है जब वो औरतों के लिए हर किस्म की मुश्किलें खड़ी कर देती है। पहले रैली में भी एक हमला किया गया था, लेकिन उस बार बेनज़ीर बच निकली थी। हालांकि उस रैली में और भी कई लोग घायल हुए थे, पर लगता है बेनज़ीर की किस्मत उसके बाद रुक गई और उसके खिलाफ हो गई, क्योंकि जब बेनज़ीर गाड़ी की तरफ चली गई तब उन पर फिर से हमला किया गया। उसके एक दशक के बाद पाक के तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक इंटरव्यू में ये भी स्वीकार किया था कि दरअसल शायद भुट्टो के कत्ल में पाकिस्तान का एस्टैब्लिशमेंट शामिल था। पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट का इशारा उस देश की आर्मी से किया जाता है। इस इंटरव्यू में जब मुशर्रफ से पूछा गया कि क्या एस्टैब्लिशमेंट के कुछ लोग बेनज़ीर के मर्डर को लेकर पाकिस्तानी तालिबान से कॉन्टैक्ट में थे, तो जनरल मुशर्रफ ने जवाब में कहा कि ये मुमकिन है क्योंकि हमारा समाज बटा हुआ है और ऐसे लोग उनकी मर्डर का कारण बिल्कुल बन सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के किसी ऑफिशियल की तरफ से दिया गया ये एक ऐसा सनसनीखेज बयान था जो कि काफी जाहिर तौर पर ये बताता है कि सरकार ऐसे वॉयलेंट इंसिडेंट का हिस्सा बन सकता है जो कि वहां की सरकार हमेशा से ही मना करती आई थी। ये पूछे जाने पर कि क्या उनके पास ऐसे लोगों के बारे में कोई जानकारी है, तो परवेज मुशर्रफ ने कहा कि उनके पास कोई फैक्ट तो नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है कि उनका ये अनुमान काफी हद तक सही है। दोस्तों, अब जाहिर सी बात है कि जब कोई ऐसा ऑफिशियल इतने बड़े लेवल पर ये मान ले कि हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर को मारने के पीछे सरकार या फिर किसी आर्मी का हाथ हो सकता है, तो इससे काफी जाहिर सी बात यह है कि वाकई में कुछ ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि बेनज़ीर भुट्टो को एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर बनते हुए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं देख सकती थी और उन्हें इसलिए रास्ते से हटा दिया गया। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ऐसी और भी कई कहानियां हैं जहां वाकई में पावरफुल औरतों को रास्ते से हटा दिया गया है, और क्या ऐसी ही कोई कहानी हमें केजीएफ चैप्टर 3 में भी देखने को मिल सकती है जिसमें रवीना टंडन एक पावरफुल प्राइम मिनिस्टर का किरदार निभा रही है। ऐसी कहानियां हमें बहुत देखने को मिलती है और इस फिल्म के लिए लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट और जोश देखने को मिल रहा है। अब ये फिल्म जब थिएटर्स में आएगी तो क्या धमाल मचाएगी, ये तो फिल्म के रिलीज के बाद ही हमें मालूम चल पाएगा। अब हम तो भाई इस फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड हैं, और आप कमेंट्स में बताएं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।